हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक हो। आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हो कि अगर आपके फेसबुक अकाउंट में यू डिसएग्रीवेट डिसीजन वाला प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर आप लोग ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों के साथ बिल्कुल एक न्यू ट्रिक शेयर करने वाला हो। वीडियो के एक स्टेप मिस नहीं करो, कम्प्लीट वॉच कीजिए। लेकिन वीडियो बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोहल्ली सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और साथ वाला बेल आइकन को ऑल पर भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर आने वाला न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलते बिना टाइम वेस्ट अपने टॉपिक की तरफ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपने मोबाइल में फेसबुक एप्लीकेशन ओपन करता हूँ और फिर इसमें ऑलरेडी मैंने एक अकाउंट भी लॉगिन कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस अकाउंट में भी यू डिसएग्रीवेट डिसीजन वाला प्रॉब्लम आते हैं। और उसके नीचे यहाँ पर लिखा है कि आपके अकाउंट का जो रिव्यू था वो एक दिन में होगा, लेकिन ज्यादातर लोगों के अकाउंट पर क्या ज्यादा दिन गुजर गए और अभी तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा आगे इस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ सिखाने वाला हो। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर ओपन कर देना और फिर ब्राउजर के सर्च बार में आप टाइप कर देना पोर्टल फेसबुक सपोर्ट और ये आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहे हैं। तो चलो यहाँ से ही मैं सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद इस इंटरफेस आते हैं और यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पर साइट आते हैं तो ये आप ओपन कर देना। तो चलिए इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद इस इंटरफेस आते हैं, यहाँ पर लिखा हाउ कैन वी हेल्प यू। तो चलो ये पेज इस तरह में स्क्रॉल डाउन करो और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर एक ईमेल अस वाला ऑप्शन शो होगा, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। तो चलो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस इंटरफेस आते हैं और ईमेल अस वाला जो फॉर्म था वो मेरे पास ओपन होगा। तो इसमें फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन आते हैं ईमेल, तो यहाँ पर आप लोग अपने एक ईमेल एड्रेस एंटर करो। तो चलो जल्दी यहाँ पर मैं एक ईमेल एड्रेस एंटर करता हूँ। जी है, यहाँ पर मैंने ईमेल एड्रेस भी एंटर कर दिया और उसके बाद नीचे कवर ऑप्शन आते हैं सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आप लोग एंटर कर देना यू डिसएग्रीवेट डिसीजन प्रॉब्लम। तो चलो जल्दी यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया यू डिसएग्रीवेट डिसीजन प्रॉब्लम और ये आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहे। उसके बाद नीचे कवर ऑप्शन आते हैं व्हाट वुड यू लाइक और उसके सामने एक छोटा सा ड्रॉप डाउन है तो इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस इंटरफेस आते हैं और यहाँ पर एक और ऑप्शन आते हैं आई नीड असिस्टेंस विद माय फेसबुक अकाउंट लॉक एंड डिसेबल, तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो। तो चलो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद नीचे एक और ऑप्शन आते हैं प्लीज डिस्क्राइब योर इश्यू, तो यहाँ पर आप लोग एक अपील एंटर कर देना। तो चलिए इसके लिए अपने मोबाइल में नोटपैड ओपन करता हूँ और नोटपैड में मैंने एक लिंक लगा दिया और उसके नीचे एक अपील भी लगा दिया। ये सब कुछ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ से आप लोग कॉपी कर सकते हैं। तो चलो जल्दी यहाँ से मैं अपील कॉपी करता हूँ। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने अपील भी कॉपी कर दिया। अपील कॉपी करने के बाद दोबारा आप लोग वही पेज ओपन कर देना और फिर डिस्क्राइब योर इशू की जगह आप लोग ये अपील पेश कर देना। अपील के आखिर में आप लोग अकाउंट के इन्फॉर्मेशन भी एंटर करो, जैसे कि अकाउंट का फुल नेम हो, उसके बाद नंबर, ईमेल, पासवर्ड और अकाउंट का लिंक। तो चलो जल्दी यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ, तब के लिए मैं वीडियो रोक लेता हूँ। अपील में मैंने अकाउंट के इन्फॉर्मेशन भी एंटर कर दिया और उसके बाद नीचे सेंड वाला ऑप्शन शो होगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। तो चलो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आते हैं और यहाँ पर लिखा है थैंक्स विल बी इन टच, मतलब यहाँ से अपील बिल्कुल सेंड होगा। तो चलो अब यहाँ से मैं मोबाइल होम स्क्रीन पर आते हो, उसके बाद फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन से लिंक ओपन कर देना। तो चलिए इसके लिए मैं अपना मोबाइल में नोटपैड ओपन करता हूँ और फिर यहाँ से ये लिंक में ओपन करता हूँ और आप लोग ये लिंक उसी ब्राउजर में ओपन करो जिस ब्राउजर में आपका अकाउंट लॉगिन है और ये लिंक कन्फर्म योर आइडेंटिटी के नाम से है। तो इसमें नीचे एक ऑप्शन आते हैं चूज फाइल वाला, तो यहाँ पर आप लोग अपना डॉक्यूमेंट अटैच करो। डॉक्यूमेंट में से आपके पास कोई भी चीज़ है लेकिन उसके ऊपर जो नेम और डेट ऑफ बर्थ है वो अकाउंट के साथ मैचिंग करना जरूरी है। अगर आपके अकाउंट में नेम और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के साथ मैचिंग नहीं करे तो फिर मैं आप लोगों को बिल्कुल साफ कह रहा हूँ कि आपका अकाउंट बिल्कुल ओपन नहीं होगा। तो चलो जल्दी यहाँ पर मैं इस अकाउंट का प्रूफ अटैच करता हूँ। जी हाँ, यहाँ पर मैंने प्रूफ भी अटैच कर दिया और उसके बाद नीचे सेंड वाला ऑप्शन शो होगा तो इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। तो चलो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से अपील हेल्प सेंटर पर चले गई। बस इतना काम करने के बाद आप लोग वेट करो जब तक फेसबुक टीम की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो ये होगा आज की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।